देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। गुल अज़र खताम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ल अल आलिम अला अल आबिद कफ़ज़ल अल क़मर अला सायर अल कवाकिब सुनन इब्न माजा। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की मुगोली बेटी प्रत्यूषा की शादी तकारीब हुकूमत के जेर निगरानी पाई तकमील। कांग्रेस की यौम तासीस पर गांधी भवन में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। और सेहतियाबी के बाद तमिल सुपरस्टार रजनीकांत चेन्नई के लिए हुए रवाना। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से गोद ली गई मुगोली बेटी प्रत्यूषा की शादी की तकारीब और तमाम मरासिम की निगरानी महकमे बहबूदी खवातीन व अतफाल की निगरानी में तकमील पाई। याद रहे कि प्रत्यूषा की मेहंदी की रस्म में खुद चीफ मिनिस्टर केसीआर की अहलिया ने शिरकत की थी और वजीर बराए बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यवर्ती राठौड़ मुसलसल शिरकत कर रही हैं। आज लड़के के वतन हल्का असम्बली शादनगर के कशम मंडल के मौजू पाटीगड्डा के एक चर्च में शादी के मरासिम अंजाम पाए गए। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यवर्ती राठौड़, मकामी एमएलए अंजया यादव और कमिश्नर महकमे खवातीन व बहबूदी अतफाल दिव्या रंगा राजन ने शिरकत की। शादी की सभी रस्म ईसाई मजहब के एतबार से अंजाम पाई गई हैं। इस मौके पर मेहमानों ने दुल्हा और दुल्हन को अपनी दुआओं से नवाजा है। దేవుడు జతపరచు జంటను ఏ మానవుడు వేరువరపకుండా వారు అందే శ్వాసం వరకు దేవునికి దేవుని తలంచుకుంటూ దేవునికి సాక్షిగా జీవించడానికి మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. నేను ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయబోతున్నా, వారి కుటుంబ జీవితాన్ని ఫలింపు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా. వారు పిల్లలని మనవును మనవరాలను చూస్తూ చూడు వరకు వారు ఆరోగ్యంగా జీవింతురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాదుని యేసుకు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. రెండు చేతులు మీ ముందు మెల్లగా చాచి తరచి పట్టుకుంటే మనం దేవుని ఆత్మను ఆహ్వానిస్తున్నా, దేవుని ప్రసన్నతను ఆహ్వానిస్తున్నా. గాయక బృందము ఈ పరిశుద్ధాత్మ పాట పాడుతూ ఉండగా మనము దేవుని ప్రసన్నత కోరుకుంటూ కళ్ళు మూసుకొని మీరు కొలుస్తున్నది ప్రముఖులకు మీడియాకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. మరొకసారి ఈ దివ్య పూజా బలిని సమర్పించి ఈ జ్ఞాన వివాహం అనే దివ్య సంస్కారం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు వారికి మా గ్రామం తరఫున క్రైస్తవ సంఘం తరఫున ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాను. तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत अपने कामयाब इलाज के बाद आज अपोलो अस्पताल से सीधे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो चेन्नई के लिए रवाना हुए। रजनीकांत के अचानक ही बीमार हो जाने की वजह से इनकी पार्टी के क़याम की काविशों में देर हो रही। रजनीकांत का अचानक चेन्नई चले जाना इसी का एक इशारा है। कांग्रेस पार्टी सदर दफ्तर गांधी भवन में आज पार्टी के 136वीं यौम तासीस के खसूसी पार्टी परचम की परचम कुशाई अंजाम दी गई है। सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी है। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क की आज़ादी और तामीर व तौसी में पार्टी की खिदमात पर रोशनी डाली है। आज के इस प्रोग्राम में दिगर कायदीन कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, साबिक खुसरा मोहम्मद अली शब्बीर रेड्डी, साबिक रजन लोकसभा अंजन कुमार यादव, सदर अखिलियती सेल शेख अब्दुल्ला सुहेल व दीगर ने शिरकत की है। पेशे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी अत्युन्नत आशयंतो एर्पाटु चेयबडिंदि ब्रिटिश साम्राज्यवादुल शक्तुल चेतिलो भारतीयुलु अनेक कष्टालु पडुतुन्न समयंलो प्रजल पक्षान पोराटं चेसेंदुकु कांग्रेस पार्टी आविर्भविंचिंदि एंतो मंदि गोप्प गोप्प नायकुलु अध्यक्षुलुगा पनिचेसिन चरित्र कांग्रेस पार्टीदि। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में कल शब केसरा मंडल में तमाईपल्ली मौजू के मजाफात में वाक़ एक फार्म हाउस में चल रही एक पार्टी रचागुंडा पुलिस ने इस पर धावा करते हुए 6 खवातीन और 10 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक एक खाद की कंपनी के डायरेक्टर प्रभाकर रेड्डी की जानिब से कंपनी के डीलरों के लिए यह पार्टी का अहतमाम किया गया था। सुल्तानाबाद में आज साबिक मरकजी वजीर वेंकट स्वामी के मुजस्मे की नकाब कुशाई सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने अंजाम दी है। इस मौके पर बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी और मकामी सदर बीजेपी सोमराव सत्यनारायण के हमरा जलसे आम में शिरकत की है। बंडी संजय ने अपनी मुखातिबत में वेंकट स्वामी को एक अवामी कायद करार दिया है और पिछड़े तबकात के लिए इनके खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు న్యాయం జరగాలంటే వెంకట స్వామి గారి యొక్క ఆశ నెరవేరాలంటే వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని ఏర్పడాలంటే తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావాల్సిందే వచ్చి తీర్థాలనే విశ్వాసంతో మనందరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం। కానీ దురదృష్టవశాత్తు అలాంటి మహానీయులకు విరుద్ధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలన సాగుతున్నది। ఇలా నిజాంకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసిన వ్యక్తి వెంకట స్వామి గారు ప్రతిసారి ముఖ్యమంత్రి అంటే మనవుడు ప్యూరెన్స్ లో జయంతి అయింది పీవీ శత జయంతి ఉత్సవం కావాల్సింది అకాడమిక్ అన్నా సుల్తానాబాద్ అయిందా పెద్దపల్లి అయిందా రామగుండం లేదా మంత్రులు లేదా కాటరం లేదా ఏడైతుంది హైదరాబాద్ హోటల్కి పెట్టి పుట్టుకోడు దాని కమిషన్ పుట్టుకొని అమ్ముతాడు ఏజెంట్ వాళ్ళే కమిషన్ ఎప్పుడు వాళ్ళే బ్రోకర్ ఏజెంట్ అన్న కేసీఆర్ అన్న ఇప్పుడు అన్నకి మోమడ పెట్టి ఇప్పుడు గట్టి చెప్తారండి నన్ను ఏం జరగదు ఇప్పుడు ఏం జరగదు అన్న చేస్తారా అన్నా भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के अन्नी जरूरत दिल्ली को बैठे उड़ता पीता रेस्पॉन्स आ रहे। इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर शिखर रेड्डी ने आज बड़ा तालाब कट्टा पर ड्रिंक एंड ड्राइव तनखी की। इस मौके पर 14 अफराद पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद से ये पहला मौका है कि पुलिस की जानिब से इस तरह तनखी की गई है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हालत नशे में गाड़ी चलाने की शिकायतों में इजाफा देखा गया है, इसीलिए आज ये तनखी की गई है। ఈ యొక్క ఇబ్రహీంపట్నం చెరువు కట్ట దగ్గర డ్రంకెన్ డ్రైవింగ్ కేసు వేయడం జరిగింది। మొత్తం 14 కేసులు బుక్ చేసినాము, ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ డ్రంకెన్ డ్రైవింగ్ అనేది ఆగిపోవడం వల్ల చాలామంది ఆగి నడుపుతున్నారు, దానివల్ల తీవ్రమైన యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి। ముందు మొన్న మీరు చూసి ఉంటారు పేపర్లో తీవ్రమైన యాక్సిడెంట్ మన వికారాబాద్ దగ్గర కానీ వరంగల్లో కానీ, అవి నివారించడం కోసం ఈ యొక్క డ్రంకెన్ డ్రైవింగ్ మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈ కరోనా దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్కొక్కరికి పైప్ ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తామో ఎవరి వాళ్ళకి యూజ్ చేస్తామో ఒక్కొక్కరు యూజ్ చేయరు, అది కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని మాస్క్లు వేసుకొని జాగ్రత్తగా చేస్తున్నాము। కాబట్టి ఎవరు కూడా తాగి వెహికల్ నడపకండి, ప్రమాదాలకు గురికాకండి అని చెప్పేసి నా యొక్క నాజరీన్ బులెటిన్ మీ యహా వక్తో చలా హై ముఖ్తసర్ సే బ్రేక్ కా। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूलों, कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं?
तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क को चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। निज़ामबाद ज़िले के सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने के पास एक खातून की नाश दस्तियाब हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाश्त शहर के मामूला बस्ती के शैलजा के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि पहले इस खातून के साथ ज़बरदस्ती की गई और फिर गला काट कर इसका कत्ल किया गया है। पुलिस जाए वारदात पर पहुँच कर डॉग स्क्वाड के जरिए कातिलों का सुराग लगाने में मसरूफ है। महलूक खातून के शोहर के अलावा इसके 3 बच्चे भी मौजूद हैं। हलका असम्बली राजेंद्र नगर में रियासती आईटा की जानिब से आज हलका ग्रेजुएट क़ानून साज कौंसिल के राय दहिंदा फहरिस्त में नामों के इंदराज कैम का क़ानून साज कौंसिल के उम्मीदवार प्रोफेसर अनवरुल्ला खां के हाथों अमल में लाया गया है। इस मौके पर आईटा की जानिब से प्रोफेसर अनवरुल्ला खां की गुलपोशी की गई है। इस मौके पर इन्होंने सभी ग्रेजुएट्स बिलखसूस अकलियती नौजवानों से फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नामों का इंदराज करवाएं। इस मौके पर सदर आईटा राजेंद्र नगर एहतशामुद्दीन आकिफ प्रभाकर आचार्य मोहम्मद बिनहाजुद्दीन व दीगर मौजूद रहे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ग्रेजुएट्स बहुत ही खुशकिस्मत हैं। आप सबके लिए सुनहरा मौका है कि आप को ये प्रिविलेज हासिल है कि आप अपने एक उम्मीदवार को एमएलसी की हैसियत में तेलंगाना स्टेट काउंसिल में मुंतखब करके भेजें। तो इस तरह आप खुशकिस्मत हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब भी ये तारीख दी जाती है एनरोलमेंट की, एक ही बार दी जाती है, लेकिन इस मर्तबा दूसरी बार दी गई है। और पहली बार जो लोग 4,70,000 ग्रेजुएट्स अपने नाम एनरोल करवा लिए हैं, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, लेकिन आप भी पीछे नहीं हैं। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप इंशाअल्लाह अभी 3 दिन बाकी है उसूली एतबार से, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 7-8 दिन मज़ीद जनवरी के भी आपको मिलेंगे। वो सारे ग्रेजुएट्स खा कन्वेंशनल हों बीए बीकॉम बीएससी या प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हों जैसे एमबीबीएस या इंडिजीनियस जितने भी मेडिसिन हैं उनसे या इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर बीबीएससी बी फार्मेसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिप्लोमास साथ ही साथ दीनी जो इदारे हैं रिलीजियस जिसको कहते हैं आप, अगर उनके मदारिस भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं तो उनकी डिग्री भी आलिमियत और फजीलत की जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन के इक्वलेंट है। सब के सब जो 2017 तक पास आउट हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, लड़कियां हों या लड़के हों, वो सब के सब एलिजिबल हैं अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए।
आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आम तौर पर ये तनकीद हो रही है और अमल भी देखने को आ रहा है कि दिन ब दिन सरकारें हमारी जमहूरियत से डिविएट होते हुए डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अगर इस जमहूरियत को बाकी रखना है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर इसके ज़रिए से अवामी हुकूमत बनाना है, तो एक बेहतरीन जेवर, इसको हथियार कहते हैं आम तौर पर, मैं इसको जेवर कहता हूँ, आर्नामेंट, ये है वोट। और वोट की ताकत हमारा अपना राज्यांग दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमको। अब एक मर्तबा इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे सही नुमाइंदे को हम भेजते हैं, तो आइंदा जैसे MLC के लिए 6 साल तक ये MLC आपका खिदमत गुजार होना चाहिए, ना कि आप पर जो है लीडर बनना चाहिए। तो ऐसा ही एक खादिम आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसका नाम अनवर खान है, जो प्रोफेसर की हैसियत में, प्रिंसिपल की हैसियत में रिटायर हुआ है 36 साल सर्विस के बाद अनवारलूम से, और इसको तेलुगु में हम कहते हैं मट्टी मनीषी। तो मैं वैसा जो है ग्राउंड का आदमी हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ, मैं इन सारे चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुझ में ये सलाहियत है कि मैं हमारे ग्रेजुएट, चाहे वो ग्रेजुएशन के बावजूद वो बेरोज़गार होंगे, हमारे ग्रेजुएट्स वो मुलाजिमत में होंगे यानी एम्प्लॉयमेंट में, हमारे ग्रेजुएट मेरी तरह रिटायर हुए होंगे, सबके क्या क्या डिफरेंट किस्म के जो है इश्यूज, मसाइल हो सकते हैं, उन सब के लिए नुमाइंदगी करने का मुस्तहब पाता हूँ अपने आप को। इंशाल्लाह आप सब भी जो अंदरून आपकी कैफियत है कि हमारा एक बेहतरीन नुमाइंदा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चंद्रशेखर के क़यादत में हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों की तनख़ी की गई है और जुमला 10 अफराद पर इस खसूस में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक नए साल के मौके पर मैखोरों पर लगाम लगाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। स्वच्छता अभियान के तहत बल्दिया बोधन के मुख्तलिफ बल्दी हलकों के लिए मख्तस करदा कचरा साफ करने वाले गाड़ियों और सैनिटाइजेशन के आलात व दीगर साजो सामान का रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील ने इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बिलखसूस महकमे बल्दी नस्म व नस्क की जानिब से सफाई को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीक़ेकार के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया के अलावा दीगर कौंसलरान भी मौजूद थे। जो वैन्स खरीदे, 6 ट्रैक्टर खरीदे, उसके बाद एक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन झाड़ू देने के लिए, साफ सफाई के लिए 82 लाख रुपये लगा के वो भी खरीदे, 30 लाख का JCP खरीदे, तो तकरीबन 4 करोड़ से आपके जो सैनिटाइजेशन है, जो आपके वार्डों में जो कचरा है, गंदगी है, इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए म्यूनसिपाल्टी की जानिब से म्यूनसिपल चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, फ्लोर लीडर साहब, काउंसलर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और तमाम म्यूनसिपल स्टाफ हर तरीके से तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आवाम का साथ नहीं हो सका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेहरबानी करके बीमारियों से बचने के लिए, साफ़ सफाई रखने के लिए, एक अच्छा साफ़ सुथरा और सुनहरा बोधन बनाने के लिए आप तमाम लोगों के ताउन की ज़रूरत है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, अगर कोई भी कचरा बाहर फेंकेंगे तो उन पर सीरियस से सीरियस एक्शन लिया जाएगा, यहाँ तक कि उनके घर का करंट भी कट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सख्ती नहीं बढ़ते तो बदलाव नहीं आ सकता।
तो बदलाव लाने के लिए सख्ती करना ज़रूरी है। चाहे वो काउंसलर रहने दीजिए, चाहे एमएलए रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए, अगर कोई भी कचरा बाहर फेंकेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त जो है पेनाल्टी भी उनको डाली जाएगी। मेहरबानी करके आप लोग समझिए और आप लोग अच्छी तरीके से एक साफ सुथरा सुनहरा भोजन बनाने के लिए आप तमाम लोग मेहरबानी करके साउंड। बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की मुगोली बेटी प्रत्यूषा की शादी तकारीफ, हुकूमत के जेर निगरानी पाई तकमील। कांग्रेस की यौम तासीस पर गांधी भवन में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। और सेहतियाबी के बाद तमिल सुपरस्टार रजनीकांत चेन्नई के लिए हुए रवाना। आइए देखें इनकी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़।